सादरी अंबेडकर नगर से जो नाला गंदा कीचड़ पानी शीतला माता के पवित्र सरोवर में जाता है, उस सरोवर में गंदा पानी नहीं जाने देंगे। जहां पर हमारी बहनें संबंध संगम का विशाल पर्वत होता है, वहां पर गंदगी कैसे बर्दाश्त करेंगे हम, वहां पर ये गंदा पानी कैसे बर्दाश्त करेंगे। सादरी के बावरियों के झोपे में आयुष काढ़ा पिलाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष खूमी देवी ने बताया कि आज बावरियों के झोपे में आयुष काढ़ा घर घर जाकर पिलाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सादरी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर ललित राठौर के निर्देशन में सादरी नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में और प्रत्येक सरकारी कार्यालय में लगभग 2 से 3 महीने में प्रत्येक दिन आयुष काढ़ा वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र सादरी की जनता के लिए प्रशासन द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए नगर के निम्न 4 जगह टीकाकरण केंद्र आज के लिए किया गया है, जिसके अंतर्गत बारली सादरी के मध्य स्थित हैप्पी किड्स पब्लिक स्कूल लाईवाड़ा के अंदर, जिसमें आमजन के लिए 45 प्लस आयु के लोगों के लिए टीका लगवाया जा रहा है। उसी क्रम में वार्ड नंबर 24 के भावी पार्षद रमेश प्रजापत टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर टीकाकरण केंद्र में भेज रहे हैं। प्रयागराज के कोंधियारा ब्लॉक के प्रमुख पद के लिए इंद्रनाथ मिश्र समाजवादी पार्टी ने BDC को आमंत्रित कर बैठक की और सभी को सम्मानित किया। प्रयागराज जिले के कोंधियारा में प्रमुख पद के दावेदार इंद्रनाथ मिश्रा ने दिनांक 8 जून 2021 को दिन मंगलवार को कोंधियारा ब्लॉक के नवनिर्वाचित BDC को बुलाकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश चंद्र यादव के द्वारा सभी BDC को माल्यार्पण करके सम्मानित किया और सभी को अवगत कराया कि आप लोग इंद्रनाथ मिश्र को अपना सहयोग देकर निर्विरोध बनाने की अपील की। अभी तक जितने ब्लॉक में मैं गया वहाँ पे इस बात की चर्चा हम लोगों ने किया, इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ना चाह रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ब्लॉकों का प्रत्याशी भारी मतों से जीते। लेकिन कोंधियारा में ये लड़ाई दूसरी है, यहाँ भी होना कैसे हम निर्विरोध हों। ऐसे यहाँ पे दूसरी लड़ाई है, जीतने में तो हम बहुत भारी बहुमत से जीत गए। अगर कोई लड़ेगा तो मेरे ख्याल जो लड़ेगा वो दहाई अंक भी नहीं पहुंचेगा, यानी एक दो उसका समर्थक प्रस्तावक जो वही एक आध वोट पाए, बाकी ठंडन गोपाल है। यहाँ असली लड़ाई हम तो देख रहे हैं कि निर्विरोध कैसे हो। तो हम जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं इंद्रनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि जब इतनी लड़ाई जैसे 56 वैसे 56 इतनी लड़ाई लड़ ली है तो निर्विरोध की लड़ाई लड़ जाइए। गोंडा थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत नंदनी नगर स्कूल के सामने ब्रेजा कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत नंदनी नगर स्कूल के सामने ब्रेजा कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग की मदद से इन्हें जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है।